भारी राशियों की मांग न होने के कारण इस बार नूरपुरी आम बहुत कम दामों में बिकने को मजबूर है, जिससे बागवानों को तो नुकसान उठाना ही पड़ रहा है। वहीं जिन व्यापारियों ने उपमंडल नूरपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आम के बगीचे खरीदे थे, उन्हें भी इस बार नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसका कारण यूपी से आम की फसल का सीजन खत्म न होना बताया जा रहा है, जिसके कारण बाहरी राज्यों के व्यापारी नूरपुरी आम तक नहीं पहुंच रहे हैं। ग्राहकों की कमी के चलते पिछले करीब एक महीने से शुरू हुआ नूरपुरी आम के फल का सब्जी मंडी जसूर में इस वक्त आधा भाव ही लग रहा है। सब्जी मंडी जसूर में अपने आम का तैयार फल लेकर आए कमनाला के रविन्द्र सिंह, ग्योला के केवल सिंह, राजेंद्र सेन, संजीव कुमार, मनमोहन सिंह, बलजीत सिंह आदि ने बताया कि आम की फसल को इस बार तो पहले तेला रोग और आंधी तूफान ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इन सब से जूझता हुआ बागवान जब तैयार फल को मंडी में लेकर आ रहा है तो मार्केट में आम के फल को उठाने वालों की कमी आड़े आ रही है। जबकि यूपी के आम ने इस बार अच्छे खासे दाम बटोरे। बागवानों के अनुसार एक सप्ताह से आम की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बाहरी राज्यों से आने वाले खरीदार मंडी नहीं आ रहे हैं। आम की फसल का करीब आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन डिमांड में कमी के कारण आम के दाम बहुत ही कम मिल रहे हैं। बागवानों की मिलने वाले दामों से आधा तो खर्चा पड़ रहा है, जिससे बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल डाउन है। इधर पहले अंब बीता 12-13 रुपए किलो, 14 रुपए किलो, वो बीता भैया 5-6 रुपए किलो। इधर छोटा मीडियम छोटा अंब है, वो बीता 2-3 रुपए किलो। ये किसान बेचारे बड़े दुखी हैं। अभी आम लेकर आ रहे हैं जसूर मंडी, तो आम का भाव नहीं मिल रहा हमें, तो बाहर के व्यापारी बहुत कम आ रहे हैं, तो जो व्यापारी है वो कम खरीद में आम खरीद रहा है। तो आम का जो भाव है 7-8 रुपए रहा है, तो इस कारण हमें बहुत घाटा बढ़ रहा है। बोल रहा हूँ, सब्जी मंडी में आया हूँ। हम लोग आम लेके आए हैं, लेकिन आम का कोई रेट नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई बाजार ग्राहक पड़ रहा है। और बारिश की वजह से आम जो है बीच में टूट टूट भी कम रहा है, मंडी में आम भी कम आ रहा है, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है सब्जी मंडी की तरफ से, कृपया करके आम का रेट कुछ बढ़ाया जाए।